नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार नमामि गंगे परियोजना संचालित कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने भी स्थानीय निकायों से भूमिगत सीवरेज योजना पर जोर देने के लिए कहा है। हकीकत यह है कि आज भी घरों का गंदा पानी नदियों के पानी को प्रदूषित कर रहा है। कुछ ऐसा ही स्थिति गर्दा नदी की भी है, जिसमें पाली नगर के 6 मोहल्लों के 1000 घरों का गंदा पानी लगातार आ रहा है। इससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद भी नगर पंचायत के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाली और शाहबाद की सीमा से होकर गर्दा नदी निकलती है। पाली नगर पंचायत के 6 मोहल्लों खारा कुआं, बेनीगंज, पटियानी सराय सेफ, सुलासराय और बाजार मोहल्ले के करीब 1000 घरों का गंदा पानी सीधे नदी में डाला जा रहा है। इसके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नगर पंचायत के पास नहीं है। नगर पंचायत के घरों के पानी की निकासी के लिए 2 पक्के नाले बनवा रखे हैं। इन नालों से होते हुए यह पानी गर्दा नदी में जाकर गिरता है। दोनों नाले करीब 7 वर्ष पहले बनवाए गए थे। गंदगी पहुँचने से गर्दा का पानी प्रदूषित हो रहा है। 3 दशक पहले गर्दा का स्वच्छ जल क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाता था। अब लोग मवेशियों तक को गर्दा नदी का पानी पिलाने से परहेज करते हैं। इसकी जानकारी नगर पंचायत के जिम्मेदारों को भी है। इसके बाद भी वह जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में गर्दा नदी अपना अस्तित्व खो देगी। गर्दा की दुर्दशा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पंचायत से कहकर इस पर रोक लगवाई जाएगी। इस संबंध में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। रमेश चंद्र यादव, नोडल अधिकारी, सवायजपुर क्षेत्र। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है नमामि गंगे, जिसके अंतर्गत नदियों की साफ़ सफाई होनी है। परंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि पाली नगर पंचायत के अंतर्गत जो नाला जाता है वो गर्रा पाली से सटा हुआ गर्रा नदी में गिरता है, जिससे वहां का पानी काफ़ी दूषित हो रहा है। जानकारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके जल्द से जल्द इस समस्या का कैसे निदान हो, कैसे उस पानी का फिल्टर होकर के साफ पानी वह नदी में पहुँचे, ताकि वह पीने नदी का पानी पीने योग्य बना रहे और जो वह मछली हैं या अन्य कोई जीव जंतु पानी के सेवन करने से बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं, ऐसी समस्याओं का समाधान।